हाँ जी, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मुंतजिर आलम। कोडिंग जंक्शन यूट्यूब चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपके लिए लेके आ गए हैं वर्डप्रेस सीरीज की एक और नई वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि वर्डप्रेस थीम क्या होता है और ये प्लगइन्स क्या होता है, और अपने सर्वर के अंदर हम थीम्स और प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम इन डेप्थ आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि ये वर्डप्रेस थीम क्या होता है। बेसिकली वर्डप्रेस थीम एक बना बनाया हुआ स्ट्रक्चर या डिज़ाइन होता है जिसका यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट्स को बनाते हैं। अलग अलग वेबसाइट्स को अलग अलग डिज़ाइंस और स्ट्रक्चर के द्वारा तैयार किया जाता है। इसीलिए अलग अलग वेबसाइट्स को बनाने के लिए अलग अलग डिज़ाइंस का एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है अलग अलग डेवलपर्स और टीम के द्वारा, और उन्हीं को हम थीम्स कहते हैं। वैसे तो वर्डप्रेस के अंदर हज़ार से भी ज़्यादा थीम्स अवेलेबल हैं अलग अलग डिज़ाइन और अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ। उनमें से हम एक थीम को अपने ज़रूरत के हिसाब से चूज़ करते हैं और उसको कस्टमाइज़ करके अपनी वेबसाइट्स को बनाते हैं। वर्डप्रेस में जो ये थीम है, इनमें से कुछ थीम्स फ्री भी हैं और कुछ थीम्स पेड हैं, और कुछ ऐसे भी थीम्स हैं जो पेड्स और फ्री वर्जन्स दोनों अवेलेबल हैं। तो आप हमारे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये जो हमारी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, इस वेबसाइट को कम्प्लीटली जनरेट प्रेस थीम के द्वारा बनाया गया है। इसके एक एक पार्ट्स को आप देख सकते हैं, ये मेन्यू है, ये इनके पोस्ट हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जनरेट प्रेस थीम के द्वारा बनाया गया है। आप हमारी एक दूसरी वेबसाइट देख सकते हैं जो कि एक न्यूज़ वेबसाइट है, इसको कम्प्लीटली फॉक्सिस थीम के द्वारा बनाया गया है। हम आ गए हैं वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट wordpress.org पे, और यहाँ आ जाते हैं हम थीम के सेक्शंस में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ हजार से भी ज़्यादा थीम्स अवेलेबल हैं अलग अलग डिज़ाइंस के साथ। इनमें से किसी भी थीम्स का यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट्स को बना सकते हैं। हम इस कोर्स के माध्यम से तीन वेबसाइट बनाने वाले हैं। पहली एक वेबसाइट्स होगी जो इस प्रकार से एक कम्प्लीटली ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होगी, और एक दूसरी वेबसाइट जो हम बनाने वाले हैं वो कम्प्लीटली एक एजुकेशन इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट्स बनाने वाले हैं किसी स्कूल या दुकान के लिए। और हमारी तीसरी वेबसाइट जो बनने वाली है वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनने वाली है। ई कॉमर्स वेबसाइट्स में जैसे कि एक प्रोडक्ट को कैसे ऐड किया जाता है, उसकी प्राइसिंग को कैसे सेट किया जाता है, और साथ ही साथ उसमें कैसे ऑर्डर प्लेस होते हैं, और साथ ही साथ एक पेमेंट इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है जिसमें से हमको पेमेंट रिसीव हो, ये सारी की सारी इस कोर्स के माध्यम से इस कोर्स के एंड तक हम तीन वेबसाइट्स को बनाने वाले हैं। तो हम जो सबसे पहली वेबसाइट बनाने वाले हैं वो एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने वाले हैं। उनके लिए जो हम थीम यूज़ करने वाले हैं वो जनरेट प्रेस थीम को यूज़ करने वाले हैं। जनरेट प्रेस एक ऐसा थीम है जो फ्री भी अवेलेबल है और साथ ही साथ पेड भी अवेलेबल है। जनरेट प्रेस के फ्री थीम में कुछ लिमिटेशन है कस्टमाइजेशन की, और वहीं पेड थीम उससे ज़्यादा कस्टमाइज करने का ऑप्शन देता है। तो हम जो यूज़ करने वाले हैं अपनी वेबसाइट्स के अंदर वो जनरेट प्रेस की प्रीमियम थीम को यूज़ करने वाले हैं। हमने देखा कि वर्डप्रेस थीम क्या होती है, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि वर्डप्रेस थीम का क्या यूजेस होता है। अब हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि वर्डप्रेस थीम को अपने सर्वर के अंदर कैसे इंस्टॉल किया जाता है। बेसिकली वर्डप्रेस थीम को दो प्रकार से इंस्टॉल किया जाता है। पहला प्रकार जो होता है वो हमारी वेबसाइट की एडमिन पैनल डैशबोर्ड से जाके हम थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं, और दूसरी प्रकार क्या होती है, हम उस थीम को मैन्युअली डाउनलोड करके हमारी जो लोकल सर्वर की जो फाइल है वहाँ पे ले जाके पेस्ट करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीकों को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम पहले तरीके को देखते हैं, यानी कि एडमिन जो डैशबोर्ड है उसके मदद से हम थीम को इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम पहुँच जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, लोकल होस्ट डेमो, ये हमारी वेबसाइट के अंदर हम आ चुके हैं, और साथ ही साथ हम ओपन कर लेते हैं इस वेबसाइट की एडमिन पैनल को। ये हमारे सामने अपनी वेबसाइट की जो डैशबोर्ड है, एडमिन डैशबोर्ड है, वो ओपन हो चुकी है। और हम चलते हैं अपीयरेंस के अंदर, और अपीयरेंस के अंदर है थीम्स के, थीम सेक्शंस है, यहीं पे सारी की सारी थीम्स की जो मैनेजमेंट होती है यहीं होती है। हमारी जो वर्डप्रेस इंस्टॉल होती है उसी के साथ साथ कुछ बेसिक थीम भी इंस्टॉल होती है, इनमें से कुछ आपके सामने आप देख सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अपनी वेबसाइट्स में एक नई थीम को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो चलते हैं एड न्यू थीम के ऊपर, और यहाँ हम सर्च करने वाले हैं कि हमें कौन सी थीम इंस्टॉल करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पहुँचना है, और यहाँ से हमें जनरेट प्रेस थीम को सर्च कर लेना है। ये आप देख सकते हैं हमारे सामने जनरेट प्रेस थीम आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। और ये हमारी वेबसाइट के अंदर जनरेट प्रेस थीम इंस्टॉल हो चुकी है। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताते हैं, जब आप लोकल सर्वर में भी अपने थीम को इंस्टॉल कर रहे हैं तो ध्यान में रहे कि आपके सिस्टम पर इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, क्योंकि जो ये सारी थीम्स यहाँ दिख रही है, ये सारी की सारी थीम्स, ये वर्डप्रेस की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है यहाँ जो दिख रही है, ये सारी की सारी थीम्स यहाँ पे हमें यहीं से शो हो रही है। इंटरनेट से कनेक्ट होना बेहद जरूरी है। और ये थीम्स हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, और हम पहुँच जाते हैं थीम्स के अंदर दोबारा। आप देख सकते हैं कि ये जनरेट प्रेस थीम है, और पहले से ही कुछ इंस्टॉल थीम है। तो बेसिकली ये थीम हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब क्या करना है, हमारी वेबसाइट्स में कौन सी थीम्स को दिखाना है
वो हमें यहाँ से एक्टिव करना पड़ता है, उसके बाद वो थीम का स्ट्रक्चर हमारी वेबसाइट्स को दिखता है। जैसे कि अभी ये एक्टिव है तो हमारा वेबसाइट इस प्रकार से दिख रहा है। जैसे ही हम जनरेट प्रेस को एक्टिव कर लेंगे, हमारी वेबसाइट्स की डिज़ाइन जो है वो चेंज हो जाएगी। इसको रिफ्रेश करने से आपको पता चलेगा। देखिए हमारी वेबसाइट्स की डिज़ाइंस अभी चेंज हो चुकी है क्योंकि हमने दूसरी थीम एक्टिव कर ली है। हमने अपने पहले तरीके से कैसे थीम को इंस्टॉल किया जाता है वो देख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे तरीके को देखने वाले हैं कि कैसे डाउनलोड करके हम थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, wordpress.org पे। यहाँ आ गए और यहाँ आ जाना है हमें थीम्स के अंदर। और थीम्स के अंदर आप देख सकते हैं कि सारी की सारी थीम आपको यहाँ दिखाई दे रही है। आप इस थीम्स के प्रीव्यू में जाके आप देख भी सकते हैं कि कौन सा थीम्स का किस प्रकार का डिज़ाइंस है और किस प्रकार से हम इसको डेवलप कर सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। और हम यहाँ करते क्या है कि एक थीम को डाउनलोड करते हैं और इसको मैन्युअली इंस्टॉल करते हैं। तो हम ले लेते हैं एक्स्ट्रा थीम को और एक्स्ट्रा थीम को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारा थीम डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है और ये हमारा थीम डाउनलोड हो चुका है। चलते हैं इसके फाइल लोकेशन पे और यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपको करना क्या है, अगर आप लोकल सिस्टम में काम करते हैं तो उसकी जो हमने फोल्डर बनाई है वहाँ जाना है, उसके यानी जैम सर्वर के लोकेशन पे जाना है। अगर या कोई VPS सर्वर पे आप काम कर रहे हैं तो उसकी फाइल मैनेजर पे जाना है। तो हम जैम सर्वर पे काम कर रहे हैं, चलते हैं अपने जैम सर्वर के लोकेशन पे। ये रही हमारी जैम सर्वर और यहाँ आ जाना है हमारी htdocs के अंदर और साथ ही साथ जो हमने वेबसाइट बनाई है डेमो इस पे चला जाना है और इसके अंदर हमें क्या करना है, WP कंटेंट पे चला जाना है और यहाँ थीम के अंदर आ जाना है और क्या करना है, इसको यहाँ से पेस्ट कर देना है। ये हमारा पेस्ट हो चुका है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो हमने डैशबोर्ड के थ्रू इंस्टॉल किया था वो सारी फाइल्स भी यहाँ आपको दिख रही है। ये हमने जो पेस्ट किया ये एक जिप फाइल है, इसको हम क्या करते हैं, इसको अनजिप कर लेते हैं। क्या करना है, नेक्स्ट काम जाना है हमारे डैशबोर्ड के अंदर और यहाँ डैशबोर्ड के अंदर जो ही आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा थीम आपको यहाँ दिखना शुरू हो चुका है। अब क्या करना है, सिंपली यहाँ से इसको अगर काम करना है इस एक्स्ट्रा थीम के ऊपर तो इसको एक्टिवेट कर लेना है। तो क्या करते हैं, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं और जो ही इसको एक्टिवेट करते हैं डिज़ाइन इसके थ्रू चेंज हो जाएगा, एक अलग डिज़ाइन आ जाएगा। हमने देख लिया है कि थीम क्या होती है और थीम का इंस्टॉलेशन देख लिया। अब हम क्या देखने वाले हैं कि प्लगइन्स क्या होती है। प्लगइन्स क्या होती है, बेसिकली एक छोटे छोटे फंक्शंस का प्रोग्राम होता है। मान के चलो किसी वेबसाइट्स में कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस हमें डालने हैं और वो फंक्शंस हमारे थीम में इनबिल्ट नहीं है तो हम क्या करते हैं, अलग से उसकी प्लगइन्स को डाउनलोड करते हैं, उसके प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं और उसको उसमें उस फंक्शंस को ऐड कर देते हैं, उसी को प्लगइन्स कहा जाता है। आपको लेके चलते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। ये रही हमारी वेबसाइट और इस वेबसाइट के अंदर क्या है, जैसे कि हमने एक सेक्शन लगाया, आप देख सकते हैं कि ये एक सेक्शन, ये हमारा थीम का पार्ट नहीं है, इसको हमने प्लगइन्स के द्वारा एक एक्स्ट्रा फंक्शंस को लगाया है। इसी प्रकार से आप मान के चले हमारी इस वेबसाइट में एक फॉर्म है, कॉन्टेक्ट अस फॉर्म, जैसे ये फॉर्म है, ये भी एक फॉर्म है, इसको भी एक प्लगइन्स के द्वारा बनाया गया है, ये थीम का कोई पार्ट नहीं है। यानी प्लगइन्स क्या है, छोटे छोटे प्रोग्राम हैं जो अलग अलग फंक्शंस के लिए बनाया गया है। और प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं चलिए हम देख लेते हैं। आ जाते हैं हम अपने डैशबोर्ड के अंदर और यहाँ पहुँच जाते हैं अपनी प्लगइन्स के अंदर और यहाँ एड न्यू प्लगइन्स पे चले जाते हैं और बहुत सारी प्लगइन्स अलग अलग काम्स के लिए यहाँ बनी हुई है। यहाँ से हम किसी भी प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल करने के बाद उसको जैसे हमने एक्टिवेट किया था अपने थीम के अंदर उसी प्रकार से इस प्लगइन्स को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई आपके पास ऑफलाइन प्लगइन्स है, आपने कहीं से डाउनलोड कर रखा है तो यहाँ से आप उसको अपलोड कर सकते हैं। हम अपनी वेबसाइट के लिए जो थीम यूज़ करने वाले हैं वो जनरेट प्रेस थीम है, उसका हम प्रीमियम वर्जन यानी पेड वर्जन को यूज़ करने वाले हैं। तो जो हमने इंस्टॉल किया था जिस थीम को वो उसका फ्री वर्जन था, अब क्या करते हैं उसके प्रीमियम फीचर्स को हम इनेबल करते हैं। तो उसके प्रीमियम फीचर्स को इनेबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है उसका लाइसेंस की यानी उसकी प्रीमियम प्लगइन्स को। तो चलते हैं सबसे पहले देखते हैं कि इसका क्या प्राइस होता है। चलते हैं जनरेट प्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये हम आ चुके हैं जनरेट प्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे और देखते हैं यहाँ से इनका प्लान। आप देख सकते हैं कि जनरेट प्रेस की जो प्रीमियम प्लान है वो $59 है। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट के लिए, सिंगल वेबसाइट के लिए खरीद सकते हैं और उसको अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई खरीदने का विचार नहीं है तो आप फ्री को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जो यूज़ करने वाले हैं प्रीमियम फीचर्स को यूज़ करने वाले हैं। जो ही आप इसमें पेमेंट करेंगे तो आपकी एक प्रीमियम प्लगइन्स डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा आपके अकाउंट में, वहाँ से इसको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद उस प्रीमियम प्लगइन्स को क्या करना है, हमारी वेबसाइट के अंदर अपलोड कर देना है। तो चलिए हम करके देखते हैं। हमारे पास ऑलरेडी पहले से डाउनलोड की हुई फाइल्स हैं, यानी जनरेट प्रेस की जो प्रीमियम प्लगइन्स है वो हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोड है।
और पहुंच जाते हैं प्लगइन सेक्शंस पे और एड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करते हैं और अपलोड प्लगइन्स पे जाते हैं और यहाँ से हम अपलोड सेक्शन पे जाते हैं और आप देख सकते हैं ये प्रीमियम प्लगइन्स जो है जनरेट प्रेस की है उसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं और इसको यहाँ से हम इंस्टॉल करते हैं। हमारी जो प्लगइन्स है वो इंस्टॉल हो चुकी है, अब इसको एक्टिवेट करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी जीपी प्रीमियम एक्टिवेट हो चुकी है। अब इस प्रीमियम प्लगइन्स की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको इसकी की नहीं मिलेगी लेकिन जो सारा काम हम करते हैं प्रीमियम फीचर्स वो सारी की सारी चीज़ें आपकी इनेबल हो जाएगी। आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपनी टेस्टिंग के लिए कि ये प्रीमियम फीचर्स कैसे इनेबल होते हैं। बाकी अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए आप अलग से परचेज करके उसके बाद यूज़ करेंगे, ये सिर्फ आपको टेस्टिंग के लिए दिया जा रहा है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का प्रेमपूर्वक धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।